कैसे दे रहे हैं दीदी? 10 रुपये किलो। आलू को कैसे दे रहे हैं? ये भी 10 के है। ये 10 के है? ये दागी फागी भी लगा, इसका सही होगा? अच्छा, सर चौथ देना होगा इसको, ये नहीं देना है। चलिए आगे देखते हैं। कैसे दे रहे हैं लवा दीदी? 15 रुपये पीस। नेनुआ कैसे दे रहे हैं दीदी? 12 रुपये के जी। काम कीजिए ना दीदी, देखिए कितना सुंदर सुंदर है, अच्छा है। अच्छा ले लीजिए, 12 रुपये पीस लगा देंगे। ठीक है दीदी, दे दीजिए एक लवा। दीजिए दीदी 1 KG नेनुआ। किधर है? 10 रुपये किलो। कद्दू 10 रुपये? माल कहाँ से लाया? सब खराब है जी, मोटा मोटा है। अच्छा तो है, ले लीजिए, कम करके दे देंगे। आप कैसे दे रहे हैं कद्दू? 15 रुपये पीस। दोनों 12 रुपये के जी। 1 KG दे दीजिए और 1 कद्दू दे दीजिए। अपने ढाबा के लिए नेनुआ ही और कद्दू ही सस्ते मिले जाते हैं। नेनुआ कैसे है? 10 रुपये किलो। कैसे लगाइएगा? कैसे लीजिएगा? 7 रुपये के जी। ले लीजिए। और कद्दू? कद्दू भी 10 रुपये। 8 रुपये हम सब देना है? ले लीजिए। लीजिए। दीदी आपको तो सब बहुत अच्छा रेट में बिक गया। हाँ दीदी, मेरा तो सब अच्छा रेट में बिक गया। दीदी मेरा तो आज अच्छा रेट में नहीं बिका, बहुत कम रेट में मिला। मेरा अच्छा था, सुंदर सुंदर था, सोझा सोझा था, इसीलिए मेरा अच्छा रेट में मिला बिका। दीदी आपका टेढ़ा मेढ़ा था, अच्छा नहीं था, इसीलिए आपको भाव नहीं मिला दीदी। वो ऐसा है दीदी, मेरा लंगड़ा टेढ़ा था इसीलिए कम रेट में बिका ना। हाँ दीदी। ओ अच्छा दीदी, ऐसा बात था। एक और बात है दीदी कि हम केले का पत्ता में लपेट के लाते हैं, इसीलिए आपस में लगड़ाता नहीं। देखिए केला का पत्ता में लपेट के लाते हैं, इसीलिए दाग नहीं लगता है, रगड़ाता नहीं आपस में, इसलिए सुंदर रहता है मेरा सब्जी। ठीक है दीदी, आपसे हम भी केला का पत्ता में ढक कर लाएंगे। सब्जी आप खेत में कैसे लगाते हैं? हम लोग तो ऐसे ही जमीन पर लगा देते हैं, ऐसे ही जमीन पर लगा हुआ है। खेत में ऐसा ही लगाते हैं, इसीलिए खराब रहता है, लोग भाव नहीं मिलता है। मेरा साथ चलिए, हम बताएंगे खेती कैसे करते हैं। ठीक है दीदी, चलते हैं आपके गांव आपके साथ। दीदी मेरा गांव में इसी तरह मचान से खेती होता है। हाँ दीदी, ये तो बहुत सुंदर है। देखिए दीदी, जमीन पर रहने से फल खराब हो जाता है और कीड़ा लग जाता है, सड़ जाता है वर्षा होने से, और पत्ता भी देखिए पक जाता है सारा। अच्छा दीदी, तब ना मेरा सब्जी कद्दू सड़ जाता था आधा। देखिए दीदी, मतलब खाली फले नहीं खराब होता है, लौका का रंग भी देखिए कैसा हो जाता है, उजला हो जाता है, हरा हो जाता है।
हवालान वाला है जो सिर्फ लंबा भी होगा और हरा रहेगा। अच्छा दीदी, अब समझ में आया। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम। ये दीदी किस लिए यहाँ आए हैं? मचान का खेती सीखने के लिए आए हैं। अभी दीदी ने बताई कि जे दीदी आप जमीन पर सब्जी लौवा उपजाते हैं तो उसे आपका बारिश के कारण आधा लौवा सड़ जाता है, आधा मतलब कि एक लौवा का आधा रंग हरा हो जाता है, आधा उजला हो जाता है। इससे और क्या क्या फायदा है? इसका जो नीचे मुँह है, जो इसका झुकाव है, इसका मुँह नीचे रहने के कारण लंबाई बहुत ज्यादा है। इसका बाजार में रेट, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही में था। इतना बड़ा बड़ा मेरा तो कभी हुआ ही नहीं है, इतना सुंदर सुंदर, इतना लंबा लंबा। दीदी बात ऐसी है कि जो जमीन पर आप लगाते हैं तो उसका तोड़ने में थोड़ा कठिनाई होता है, चूँकि पत्ता तर छिपा हुआ रहता है। और इसमें क्या है ना दीदी कि इसमें सारा फल जो है नीचे में लटका हुआ रहता है और दिखाई देता है, ताकि तोड़ने में भी आसानी होता है। इसको देखिए तोड़ लेते हैं और तोड़ने में आसानी होता है और टूट जाता है दीदी जल्दी में। हाँ भैया, हम लोग को तो पत्ता तो छिपा हुआ रहता है और तोड़ने में दिक्कत होता है, थोड़ी नहीं इतना जल्दी तोड़ लेते हम सब। भैया आप इसको ऐसे तोड़ दिए, हम लोग तो ऐसे तोड़ते थे इसको। बस मैं रुकी रुकी रुकी, ऐसे नहीं तोड़ना है दीदी, इसमें कुछ बात है। इस नेनिया को डंटल के सहारे, डंटल के द्वारा तोड़ने से तीन फायदा होता है। पहला फायदा है कि इस डंटल से इस नेनुआ को पोषक तत्व मिलते रहता है, जिसके कारण ये सूखता नहीं है। दूसरा फायदा यह है कि ये टिकाऊ रहता है, जिसके कारण ये सुंदर दिखता है। और तीसरा फायदा यह है दीदी, ये सुंदरता के कारण इसका बाजार में रेट अच्छा मिलता है और हवा अच्छा से लगता है, ताकि इसको भोजन बनाने में सहूलियत होती है। इसके चलते हमारा पेड़ पौधा हरा भरा लगता है। हाँ अच्छा भैया, बगान पर एक फायदा और है दीदी, कि आंधा पानी जब आता है तो हमारा पेड़ सा सुरक्षित रहता है। कितनों आंधी आवे चाहे पानी आवे, हमारा पेड़ पौधा सुरक्षित रहता है, ताकि नीचे वाला सब सड़ गल जाता है। भैया इसमें खर्च तो बहुत ज़्यादा लगता होगा? ढलान बनाने में एक कट्ठा में लगभग 10 से 15 बांस लगता है दीदी, और उसमें एक किलो मतलब ताड़ और एक किलो लगभग प्लास्टिक का रस्सी लगता है दीदी। उसको बनाने में लगभग मतलब 15 से 20 बांस लग ही जाता है, और ये बांस जब एक बार खरीदा जाता है तो 3 साल तक लगातार चलता है। रस्सी साले साल चेंज किया जाता है, रस्सी और तार को साले साल चेंज करते हैं। अच्छा भैया, आप बोल रहे हैं बांस खरीदने के लिए, तो हम एक साल खरीद, मेरे घर के बांस नहीं है, मैं एक साल खरीदा तो क्या अगला साल फिर खरीदने पड़ेगा? एक बार बांस खरीदा जाता है 10 या 15 बांस, तो लगातार 3 साल तक चल जाता है, लेकिन रस्सी प्लास्टिक का रस्सी को और तार को साले साल चेंज करके ही उसमें फिर दोबारा प्रयोग करते हैं, फिर दोबारा खरीद करके प्रयोग करते हैं। अच्छा भैया, हम एक साल बांस खरीदेंगे तो हमको 3 साल खेती होगा, इसमें तो हमको मुनाफा है, इसलिए हम बांस अलान पर ही खेती करेंगे, जिससे हमको फायदा होगा ज़्यादा। सही समझे दीदी आप। धन्यवाद दीदी, आपने मुझे अच्छी तरह से खेती करने के लिए सिखा दिया। अब मेरा भी सब्जी आपके तरह होगा, अच्छा और सुंदर और अच्छा बिक्री भी होगा। दीदी आपका भी बिक्री अच्छा से होगा।
प्रणाम दीदी। प्रणाम, कैसी है दीदी? ठीक है दीदी। देखिए दीदी, आपकी तरह हम भी मचान से खेती करने के लिए सीख लिए हैं। अच्छा है, अच्छा पैदा होगा और अच्छा रेट में बिकेगा। ठीक है दीदी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है दीदी, चलिए मार्केट में हम भी वहीं जा रहे हैं। चलिए।